नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएल न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी लगातार योगी और मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। यहां तक कि प्रियंका गांधी ने ये कहा कि 16,000 करोड़ रुपए के विमान ये खरीदने वाली सरकार जो कि किराया गन्ना किसानों का नहीं दे पाई है, वो आगे क्या विकास करेगी। विकास के मुद्दे पर इस वक्त सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है और ये देखा जा रहा है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सरकार को उठाना चाहिए था, जिन मुद्दों पर सरकार को काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उन मुद्दों पर काम नहीं किया। उन मुद्दों में पहला है बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो योगी सरकार के सामने खड़े थे। लेकिन ये माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले, हमने उत्तर प्रदेश के हालातों पर जिक्र किया और चर्चा भी की, तो ये चुनाव से पहले काफी समय पहले खबर आ गई थी कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ इनके बीच अच्छा कुछ नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच अनबन की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो ये माना जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती तो शायद मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है, योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी और यानी कि ये खबर पूरी तरह से सही साबित हो जाएगी कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच अनबन चल रही थी। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त मुद्दों पर बात कर रही है और मुद्दों के साथ खड़ी हुई है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए नमस्कार।